पैरेलल यूनिवर्स क्या है? पैरेलल यूनिवर्स मतलब जो हमारी दुनिया है, हमारा यूनिवर्स है, जिसे हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसी मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूँगा। यहाँ मैं कुछ कुछ भी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ऐसे एकदम साइंस में डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ही नॉर्मल वे में बात करूँगा। तो हमारी जो दुनिया है, जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी पे, क्या यही एक ऐसी पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है? नहीं। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो गैलेक्सीज हैं, ये सब बहुत बड़ी है। बोलते हैं ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। स्पेस में पृथ्वी एक बहुत छोटा सा ग्रह है। ये पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। क्या सूरज सिर्फ एक ही है? क्या सूरज और एक क्या है? सूरज एक स्टार है, उसकी खुद की ऊष्मा और खुद की रोशनी उसके पास है। प्लैनेट्स जो होते हैं, उनकी खुद की ऊष्मा शक्ति उनके पास नहीं होती। तो स्टार के आसपास, देखिए सोलर सिस्टम है हमारा, वहां पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में यही सोलर सिस्टम नहीं हो सकता, ये तो पूरी जाहिर बात है, ठीक है। ऐसे और सोलर सिस्टम भी होंगे, वहां पर पृथ्वी जैसे दिखने वाले और भी प्लैनेट्स होंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां का जो भी एनवायरनमेंट कह लो आप, या एटमॉस्फेयर कह लो, या आप पूरी कंडीशन है, वो पृथ्वी जैसी हो सकती है। तो वहां पर भी जीवन हो सकता है, मतलब एलियंस हो सकते हैं, राइट। अब ये जो थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स क्या कहता है? पैरेलल यूनिवर्स ये कहता है कि हमारी जैसी पृथ्वी, सेम ऐसी ही दिखने वाली पृथ्वी, ऐसी ही दिखने वाली दुनिया, हमारे जैसे ही दिखने वाले लोग किसी दूसरे प्लैनेट पर रहते हैं, लेकिन वहां पर कुछ चीजें अलग हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कितनी सारी हमारी पृथ्वी पर, हमारे पूरे दुनिया में कितनी सारी वॉर्स हुई, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, उसके अलग अलग आउटकम हुए। कोई कोई देश जीत गया, कोई देश हार गया, कहीं पर परमाणु गिराए गए, कहीं पर कुछ हुआ, किसी जानवर की प्रजाति हमारे यहाँ लुप्त हो गई। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत, डायनासोर खत्म हो गए, राइट, मैमोथ हो गए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म हो गए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट पर वो चीजें आज भी जिंदा हो। मैं यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसा ही दिखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे प्लैनेट पर हो और वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, मेडिकल साइंस पढ़ रहा हो, और वो एक डॉक्टर हो, या तो वो कोई और काम कर रहा हो, या तो वो एक लोहार हो, या वो तो एक कारपेंटर हो, या वो जीवित ही ना हो, कार एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में मर गया हो। अब आप मुझे बोलेंगे, सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे एक थ्योरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चीज ब्रह्मांड में एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होती है, राइट। मतलब सब कुछ अलग अलग है। एक इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो एक जैसा होता है, मतलब एक इंसान का एक होगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा, सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जरूर, जब एक जैसा दिखने वाली चीज और भी होगी। तो जब पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक और प्लैनेट हो सकता है, तो क्या मेरे जैसे दिखने वाला कोई इंसान दूसरे प्लैनेट पर नहीं हो सकता? वहां पर क्या मनुष्य नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ये थ्योरी बोलती है। ये पैरेलल यूनिवर्स है। इसका कनेक्शन टाइम ट्रैवल से भी है। इसको लोग लिंक करते हैं। कैसे लिंक करते हैं, मैं बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर प्लैनेट पर समय अलग अलग हिसाब से चल रहा होगा। ऐसे 7 प्लैनेट होंगे, 7 प्लैनेट्स होंगे, जहां पर मेरे जैसे दिखने वाला व्यक्ति, मेरे जैसे दिखने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उनकी उम्र कम होगी। जैसे अगर मैं अभी 22 साल का हूं, तो दूसरे प्लैनेट पर कोई 21 साल का होगा, उसके दूसरे प्लैनेट पर कोई 15 साल का अभिषेक सागर होगा। मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि कोई बुरा ना मान जाए। तो उनके आउटकम अलग अलग होंगे। वहां पर मैंने कॉमर्स पढ़ी, तो वहां पर जो कोई अभिषेक सागर होगा वो शायद साइंस लेके पढ़ेगा। तो ये कहना है, जब चीजें अनंत हैं तो वहां पर कई चीजें रिपीट जरूर होंगी, क्योंकि किसी भी 2 या 3 चीज के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो लिमिटेड ही हो सकते हैं। जैसे 0101, ये जो बाइनरीज होती है, ASCII कोड्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के डेटा बनता है। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करूँगा। ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट बना के, बहुत सारे प्लैनेट वाली चीज़ें, गैलेक्सीज मिला के कुछ चीज़ें रिपीट भी होंगी, और वही पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण करती है, ये कहता है पैरेलल यूनिवर्स। अब पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग मत हैं। कई साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं ऐसा हो सकता है, कई लोग तो पूरी जान देते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जिस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, उसको साइंस फिक्शन की श्रेणी में रखा जाता है। ये टॉपिक अभी साइंस फिक्शन की, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है हमारी, क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सीज है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम तो मंगल ग्रह पर जाने में काफ़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। कई गैलेक्सीज पार करके, कितने बिलियंस लाइट ईयर पार करके तो हम जा ही नहीं सकते अभी अपनी टेक्नोलॉजी से। मतलब अगर 2-3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जाएंगे, तो एक इंसान तो 100 साल ही जीता है, 2 बिलियन ईयर्स कहाँ चलेगा वो?
तो पॉसिबल नहीं है। भगवान ने इस सृष्टि को कुछ ऐसा बनाया है और इंसान को कुछ ऐसा बनाया कि उसकी कोई सीमा है, उससे आगे वो इंसान नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए, नहीं जा सकता। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन इसको हम रियलिटी नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कभी नहीं होगा। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्या पता एलियंस हमें मिल जाएं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स मिल जाएं जिससे हम ऐसे अचीव कर सकें। एलियन साइटिंग्स होती हैं, तो क्या वो लोग पैरेलल यूनिवर्स से आते हैं कि ऐसी पृथ्वी से आते हैं जहां पर एलियंस रहते हैं? मिस्ट्री बनी हुई है, काफ़ी मत हैं, अलग अलग लोग अपने बारे में बोलते हैं। यहां मैंने आपको पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट बता दिया। और टाइम ट्रैवल, जो हम टाइम ट्रैवल करते हैं, वो असल में हम टाइम ट्रैवल नहीं करते हैं, हम एक ऐसे प्लैनेट से जाते हैं जो आगे है, उस प्लैनेट पे जो टाइम में पीछे चल रहा है। जहां पर मैं अभी 21-22 साल का हूं, एक ऐसा प्लैनेट है जो वैसा ही दिखता है, मेरे जैसा ही कोई अभिषेक सागर वहां भी है, लेकिन उसकी उम्र 15 साल है। तो मैं अगर वहां चला जाऊंगा तो मैं जा तो वैसे दूसरे प्लैनेट पर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगेगा कि मैं अपने पास्ट में चला गया। और समय में सफर करना और कुछ नहीं, अपने पैरेलल यूनिवर्स में जाना है। ये थ्योरी कहती है, ये पॉसिबिलिटीज है, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल ऐसे जुड़ा हुआ है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। और टाइम ट्रेवल्स के बहुत सारे टाइम ट्रेवलर्स के एविडेंसेस मिले हैं, मतलब दुनिया में ऐसा कोई तो है जो इन चीज़ों को अचीव कर चुका है और इनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कौन है ये हम नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी वीडियोज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मैं आपको बता सकता था नॉर्मल के सेफ मोड क्या होता है, बायोस क्या होता है, सर्किट बोर्ड कैसे काम करते हैं, बल्कि ये बुरी बात नहीं है, मैं इसके बाद यही वीडियो शूट करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग भी इस चैनल पर हो और आपको कुछ नया जानने को मिले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और मैं आपको बता पाऊँ। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि टाइम ट्रैवल कर सके और पैरेलल यूनिवर्स में हम जा सकें, लेकिन कोई नहीं जानता कौन सा जरिया निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, सीखते रहिए और दिमाग के दरवाजों को खोलिए। गुड बाय।